इंदौर के गौतमपुरा थाना क्षेत्र के बछोड़ा गांव से महिलाओं की एक महिला के प्रति क्रूरता का वीडियो सामने आया है, जहां चार महिलाओं ने एक महिला को पूरी तरह से पीट दिया। मारपीट के बाद महिलाओं ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए रिपोर्ट। देपालपुर के गौतमपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बछोड़ा गांव में 60 वर्षीय महिला को बेचने का आरोप लगाकर चार महिलाओं ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इन महिलाओं ने पीड़ित महिला को घसीटकर उसे अर्धनग्न कर मोहल्ले में घुमाया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद गौतमपुरा महिला थाना प्रभारी संगीता चौहान ने त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित महिला को मारने वाली चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की। मामला एक ऐसा मामला है कि एक पीड़ित महिला है जिसके साथ चार अन्य महिलाओं के द्वारा, गाँव की ही चार अन्य महिलाओं के द्वारा मारपीट की गई। उसको घर से मारपीट करते हुए लाए, उसके घर के सामने ही सड़क पर उसके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। इस तरह का मामला है, निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला नहीं है जो जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है। वो सामने, उसके घर के सामने ही फिर उसके साथ जब मारपीट की गई, कपड़े फाड़ दिए गए, तो वहीं पर बैठ गई थी। बाद में उसने अपनी ही साड़ी से अपने शरीर को ढक लिया था। ये महिलाओं के द्वारा मारपीट जो की गई है, पीड़ित महिला का कहना है कि वो इस बात से नाराज़ थी, महिलाएं जो मारपीट कर रही थी, कि एक उसमें से महिला लक्ष्मी नाम की महिला है, जिसकी सास को ये आरोप था कि पीड़ित महिला के द्वारा मंदसौर ले जाया गया था या मंदसौर भेजा गया था। जबकि पीड़ित महिला का कहना है कि उसके द्वारा न उसकी सास को कहीं ले जाया गया न भेजा गया। 25 तारीख को एक घटना घटी है बछौरा ग्राम में, देपाल गौतमपुरा थाने में ये घटना घटी है, और जिसमें एक महिला के साथ चार महिलाओं ने मारपीट की है। ये चारों महिलाओं को के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। केस रजिस्टर करके उन्हें अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके उन्हें जेल भेज दिया गया। ये हम बताना चाहेंगे कि ये दोनों ही पक्ष जो हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, तो इसमें वो जो भ्रांति फैलाई जा रही है जिस तरह की, वो उसमें विश्वास नहीं करें। दोनों ही अनुसूचित जाति वर्ग के ही हैं, और आरोपियों के खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। बहुत साधारण सी बात थी, जो आरोपी पक्ष है उनका कहना था, उसमें से एक जो आरोपी महिला है उसका कहना था कि उसकी सास को लेके पीड़ित महिला मंदसौर लेके गई थी, जबकि पीड़ित महिला द्वारा इसका भी कहा गया है कि ऐसा उसने नहीं किया है, इस बात को लेकर ही बात। वहीं थाना प्रभारी संगीता चौहान के अनुसार आरोपी महिला ज्योति का कहना है कि उक्त महिला मेरी सास को मंदसौर लेकर बेच आई, जबकि फरियादी महिला मंदसौर गई ही नहीं। पीड़ित महिला ने कहा कि चारों महिलाओं ने क्यों मारा मुझे पता तक नहीं। वहीं पीड़ित महिला डर के मारे गांव से भूमिगत हो गई है। बता दें कि इस पूरे मामले में महिला का वीडियो सामने आने के बाद से ही पुलिस तेजी से कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देपालपुर।